इस देश में आईआईटी जेईई की परीक्षा अच्छे से होती है, यूपीएससी की परीक्षा अच्छे से होती है, एनटीए कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है, नीट परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, हर किसी को लेकर क्या आपको नहीं लगता कि अब जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है, सरकार को और गंभीरता दिखानी होगी? जवाबदेही बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के नहीं होगी। अब इस पानी सर से ऊपर चला गया समीर जी, किसी भी शोषित वंचित और गरीब बच्चे के लिए शिक्षा सबसे बड़ी सीढ़ी है। आज इतने बच्चे जो डॉक्टर बनने का सपना दे रहे हैं कोई 30-32 लाख रुपए देके वो, और ये तैयारी कर रहे हैं 54,600 गवर्नमेंट सीट्स के लिए, जहां पे महज 1,000-2,000 रुपए में इनको ये डॉक्टर बनाए जा रहे, ये छीनी जा रही है इनसे, अपॉर्चुनिटी छीनी जा रही है। और शिक्षा मंत्री इतने बेशर्म है, ये सारा मीडिया 5 तारीख से रिपोर्ट कर रहा है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 13 लोगों को अरेस्ट किया है, किसी ने कबूलनामा किया है, गोधरा में ये कांड हुआ है। शिक्षा मंत्री आके इसको जब मोटिवेटेड प्रोटेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है ये देश के हर हार्डवर्किंग छात्र के मुंह पर तमाचा है। और शिक्षा मंत्री को सबसे पहले जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए, एनटीए को रद्द करना चाहिए और नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। इससे कम में विपक्ष नहीं मानेगा, क्योंकि अब पानी सर देश के कोने से यही खबरें आ रही है, ये पेपर लीक हो रहा है, वो एक गुजरात का कनेक्शन है, वो भाग गया, ये भाग गया देश में। ये जो खबरें हैं वो पेपर लीक की खबरें, जो छात्र हैं जो अपना भविष्य देखते हैं इन एग्जामिनेशन को क्लियर करके, उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और एक और बहुत बड़ी चिंता भी कि कैसे सब कुछ ठीक होगा, जो हमने आपको खबर भी दिखाई कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसमें जो मुख्य साजिशकर्ता कंपनी उसके मालिक ही फरार हो जाते हैं विदेश। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।